बिग बॉस सीजन 14 से जान कुमार सानू एविक्ट हो चुके हैं और जान कुमार सानू के एविक्शन के बाद निकी तंबोली फूट फूट कर रोईं। जी हाँ, ये वही निकी तंबोली हैं जो जान के साथ हर वक्त गलत बर्ताव करती हैं। जान कितना भी अच्छा कर लें लेकिन उन्हें जान में ही कमी दिखती है। आज जब जान का सफर बिग बॉस के घर से खत्म हो गया है तो निकी तंबोली को इस बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने जान का बहुत दिल दुखाया है। वहीं जब जान कुमार सानू ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ एक्सक्लूसिव बात की तो सुनिए जान का क्या कुछ कहना था निकी और अपने रिश्ते को लेकर। बड़ी चीज है कि जब आपका एविक्शन हुआ है उसके बाद निकी तंबोली को कल ये रियलाइजेशन हुआ है, मुझे नहीं पता कि आपने देखा है कि नहीं देखा है, जब आप एविक्ट होके घर से बाहर निकले हैं तो वो आपकी फोटो अपने बेड के पास रखती हैं और उसके बाद वो फूट फूट कर रोती हैं और वो बोलती कि यार मैंने उसको कितना कुछ बोला, कितना गलत बोला और मुझे आज रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्या कुछ बोला है और मैंने बहुत गलत बर्ताव किया है जान के साथ। जान, आप इसे कैसे देखते हैं? आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपने और निकी के रिश्ते को लेकर? एक कहावत है, दांतों की कीमत तब तक नहीं पता चलती जब तक आपके दांत ही नहीं होते। सो आई थिंक उन्होंने शायद वो चीज को लेट रियलाइज किया हो। I'm happy that जो भी उन्होंने बोला वो बोला, मगर मेरी और निकी की एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे हम एक पॉइंट पे इन द बिग बॉस हाउस, बट टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने वो किस वाली बात की जी? जो आई थिंक बहुत ही डर्टी और चीप बात थी एंड उन्होंने हमारे फ्रेंडशिप को एक बहुत नीचे लेवल पर ला दिया जी, तो जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लगा। एंड आई फील अगर उनको जेन्युइनली ये बात रियलाइज हुई तो वेल एंड गुड, बट घर में तो ऐसा नहीं लग रहा था। सो आई डोंट थिंक आई कैन ट्रस्ट द सेम इमोशंस कैन, क्योंकि काफी बार बोला गया है मुझे जी, इस पर अमल किया गया, तो मे बी दिस टाइम इट वॉज एक्चुअली जेन्युइन, बट बात हो गई कि शेर आया तो शायद मुझे पता नहीं इस पर मैं क्या रिएक्ट करूं, बिकॉज मुझे मेरा ट्रस्ट आई थिंक काफी बार टूटा है इस घर में, सो आई वुड बी अफ्रेड अबाउट ट्रस्ट एनीबॉडी।